नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ के पार्ट फोर में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम जो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था पहले, वो अब ठीक करेंगे। तो ये फ्रंट वाला जो सेक्शन है स्कूटर का, वो हम खोलेंगे। उसके लिए जो मेटालिक ग्रिल है उसे खोलना पड़ेगा। तो इस ग्रिल को खोलने के लिए चार स्क्रूज हैं, दो सामने की तरफ हैं बॉडी पैनल पर और दो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और यहाँ पर एक है। तो इसे खोलने के बाद अब बारी है बॉडी पैनल को खोलने का। तो बॉडी पैनल को खोलने के लिए भी कुछ स्क्रूज मौजूद है जो कि नीचे की तरफ हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस तरफ जो दिख रहा है यहाँ पर दो स्क्रूज है और यहाँ पर एक लॉक है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से खोलना है। दोनों तरफ एक एक लॉक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ दो स्क्रू है, ये भी बॉडी पैनल को होल्ड करके रखता है। तो ये दोनों स्क्रू हमने पहले निकाल लिया है। और यह साइड पर भी दो स्क्रू है जैसे कि देख रहे हैं। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी दो स्क्रू है, ये देख सकते हैं। एक कोने पर एक है और उसके उल्टे तरफ भी एक है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं हमने पूरा खोल लिया है और ये आराम से बाहर निकल के आ जाता है सब स्क्रू खोलने के बाद। तो अब देख सकते हैं कि पूरा खोलने के बाद अब हम इस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है ये इंडिकेटर फ्लैशर है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है जो इंडिकेटर बजर है वो। तो पहले जो बजर था वो ख़राब हो गया है, तो मैं इसे रिप्लेस करने वाला हूँ। और ये देखिए कवर है जो पूरा फ्लैशर को ढक देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंडिकेटर बजर को लगा दिया है और एक प्लास्टिक का एक रैपर से मैंने इसे ढक दिया है ताकि ये बारिश पे गीला ना हो, क्योंकि ये बजर गीला होते ही ख़राब हो जाता है। तो ये अच्छी तरीके से ही बज रहा है। तो ये किसी स्विस कंपनी का बना हुआ है, सब बोलते हैं कि ये अच्छा ब्रांड है। तो मैंने इसे लगा लिया, करीब 30 रुपये का पड़ता है ये। तो अब हम ये जो चौक का केबल है उसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ये चौक का केबल खोलने के लिए हमें जो है वो पीछे का जो इंजन का जो बे है, इंजन बे को खोलना पड़ेगा। और इसके लिए पूरा सीट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दो बोल्ट है इन दोनों को खोलना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर दो बोल्ट है, और आखिर में यहाँ पर दो स्क्रू है। और नीचे की तरफ भी आपको दो स्क्रू को खोलना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो स्क्रू दोनों तरफ, और साइड पर भी दो स्क्रू है, एक यहाँ पर और दूसरा उसके उल्टी तरफ। तो सभी स्क्रू और बोल्ट को खोलने के बाद ये निकल के आ गया है। तो ये रहा वो चौक का केबल। अब देख सकते हैं खींचने पर ये थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ये जाम हो गया है। ये फैक्ट्री से ही इस तरीके का बना हुआ होता है ताकि खींचने पर ये अपनी जगह पर बना रहे, लेकिन जंग लगने के कारण ये जाम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए मैं एक प्लायर से इसे खींच रहा हूँ, फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो इंजन है ये एकदम जो होंडा एक्टिवा आई का जो इंजन है उसी के तरह सिमिलर इंजन है। आपने अगर मेरा पिछला होंडा एक्टिवा आई का वीडियो देखा है तो आप देख सकते हैं कि एकदम सिमिलर इंजन है 100 cc का। तो हम अब काम शुरू करने वाले हैं। तो इस केबल को निकालने के लिए जो क्लैम है इसे निकालना पड़ेगा। तो इसके ठीक बेस पर यहाँ पर एक स्क्रू है, इसे खोलना पड़ेगा। तो ये स्क्रू खोलने के लिए आपको एक एंगल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, या फिर आप इन होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाईं तरफ वाला होल किस काम से है ये तो आपको पता ही है, जिससे हम एयर क्लियर को हमने खोला था। और बाईं तरफ वाला जो होल है उससे हम इस स्क्रू को खोलेंगे। तो ये दो होल बॉडी के बाईं तरफ दिया गया है इसी कारण से, ताकि हम आसानी से स्क्रू को खोल सकें।
तो ये देखिए हमने इसे खोल दिया है और जो स्क्रू है उसे अपनी जगह पर लगा दिया है ताकि वो खो ना जाए। तो अब ये छोटा वाला क्लैंप को खोलेंगे, इसे केबल से अलग कर देंगे। ये मैंने फ्लैश का लाइट ऑफ कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ वो स्क्रू कैसा दिखता है। तो ये रहा वो स्क्रू। तो ये केबल यहाँ से होते हुए इस फ्लोर पैनल के नीचे से होते हुए सामने की तरफ चला जाता है और ये जो पूरा केबल है ऊपर की तरफ से खींचने पर बाहर निकल के आएगा और इसी रास्ते से ही केबल को डाला जाएगा। केबल का जो टेल है, जो आखिरी सिरा है, वो यहाँ से पहले जाएगा और फिर इंजन बे से निकलेगा। तो हम इसके लिए ये जो क्लैंप है इसे खोलेंगे और फिर धीरे धीरे निकालेंगे केबल को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रहा वो केबल और बॉडी पैनल्स के अंदरूनी तरफ बहुत ही जो मकड़ी के जाली वगैरह बहुत कुछ ऐसा होता है और फिर धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो ये इसे हटाना नामुमकिन है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो नीचे वाला जो ब्लू वाला जो ब्लू कलर का जो बॉडी पैनल है उसे भी खोलना पड़ेगा और तीन स्क्रू दोनों तरफ तीन छः स्क्रू से लगे हुए होते और इसे हम हटा देंगे ताकि आसानी से हम केबल को निकाल सके। ये देखिए मैं बॉडी पैनल के जो फ्लोर पैनल है उसका नीचे कैसा दिखता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अंदर की तरफ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सिंपल तरीके से सीधा निकल जाता है। ये देखिए ऐसे सीधा जाके ऊपर की तरफ से निकल जाता है। और फिर यहाँ से केबल को हम खींच के निकाल देंगे। तो ये वाला जो बॉडी पैनल है उसे हम हटा देंगे। ये देखिए बॉडी पैनल के अंदर की तरफ कितना मिट्टी धूल ये सब चला गया है, तो इस पैनल को हमें खोलना पड़ेगा। ये देखिए हमने इस पैनल को खोल दिया है। ये साइड वाला एक स्क्रू है यहाँ पर और फिर सामने की तरफ यहाँ पर एक स्क्रू है और यहाँ पर एक स्क्रू है, जो तीन स्क्रू दोनों की तरफ तीन छः स्क्रू से ये पैनल लगा हुआ होता है। और ये रहा वो बॉडी पैनल, लोअर बॉडी पैनल कह सकते हैं इसे, लोअर फ्रंट बॉडी पैनल। तो अभी हम धीरे धीरे केबल को निकाल देंगे। उससे पहले जो दूसरा प्रॉब्लम है ये मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो ये जो आवाज़ होता था और टाइट फीलिंग होता था हैंडल बार को दाएं या बाएं मोड़ने पर, तो ये इस जगह के लिए है। आप देख सकते हैं जो सारे केबल है वो एक क्लैंप के साथ लगा हुआ होता है और ये देखिए धीरे धीरे जंग के साथ इस केबल को काट भी रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं ग्रीस लगा दूंगा ताकि ये लुब्रिकेटेड रहे और इतना जाम ना फीलिंग हो। हालांकि ग्रीस के वजह से धूल मिट्टी को खींचेगा लेकिन फिर भी ये स्मूथ ही रहेगा और इतना हार्डनेस फीलिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं केबल को धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। ये रहा वो केबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केबल को निकाल दिया है और इसके जगह पर मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा। तो ये वाला जो केबल है ये आफ्टर मार्केट का पार्ट है, ये किसी नर्मदा ब्रांड का बना हुआ है। जो दुकानदार बोल रहा था अच्छा ये इस पर लिखा हुआ है कि ये एक्टिवा 110 सीसी और माइस्ट्रो स्कूटर पर लगता है, लेकिन इस पर कहीं पे भी होंडा डियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। फिर भी मैंने इसका एक नाप ले लिया था खोलकर, जो केबल मैंने खोला था उसके साथ एक लेंथ का मैंने नाप लिया और देखा कि ये सही लेंथ का है तो ये फिट हो जाएगा। तो इसे लगाने से पहले मैं जो आउटर केबल है, आउटर और इनर केबल है, उन दोनों के बीच में थोड़ा इंजन ऑयल डाल दूंगा लुब्रिकेशन के लिए। तो ये देखिए केबल के अंदर मैंने थोड़ा इंजन ऑयल डाल दिया है आउटर और इनर केबल के बीच में।
इसे बहुत ही स्मूथ हो गया है। इसे लगाने के लिए जो नट है इसे खोलना पड़ेगा और फिर हम जो इसका आखिरी सिरा है, नीचे वाला सिरा है, उसे पहले डालेंगे और फिर इसे जो प्लास्टिक का जो नट जैसा है उसे हम कस देंगे पीछे की तरफ से। ये देखिए मेरे नट को कस दिया है और अब हम धीरे धीरे जो क्लैम्प्स हैं उन सभी क्लैम्प्स के बीच में से इस केबल को निकालेंगे। तो पहले तो हम आधा रास्ता निकालेंगे नीचे की तरफ से, फिर इंजन बे की तरफ इसे मोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप केबल को डालिए और सारे जो क्लैम्प्स हैं उन सभी के बीच में से इसे निकालिए और नीचे की तरफ से यहाँ से निकाल दीजिए। फिर यहाँ से यू टर्न लगाकर उसे पैनल के नीचे से धकेलिए और इंजन बे की तरफ से उसे खींच लीजिए। ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए ऐसे निकल रहा है। यहाँ पर एक क्लैम्प है, उस क्लैम्प के साथ इसे जोड़ दूंगा, फिर उसे कार्बोरेटर के सामने जो क्लैम्प है उसके साथ जोड़ दूंगा। तो ये देखिए मैंने क्लैम्प भी फिट कर लिया है। अब जो स्क्रू है उसे मैं टाइट कर दूंगा और ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं जब इसे खींचता हूँ फिटिंग करने से पहले, ये देखिए पूरा बाहर निकल के आ जाता है और यहाँ पर आप एक होल देख सकते हैं आउटर और इनर के बीच में, वही होल से मैंने जो इंजन ऑयल है उसे डाला था। तो ये जो ऑयल है इसे पूरी तरीके से लुब्रिकेटेड रखेगा और ये 1.5-2 साल आसानी से चल जाएगा या फिर उससे ज़्यादा भी चल सकता है, क्योंकि कंपनी से जो आया था उस पर ऐसा लुब्रिकेशन नहीं था, इसलिए इतना स्मूथ नहीं था। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है ये, जैसे कि बाइक पर मोटरसाइकिल पर होता है, खींचने पर आराम से अपने आप अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये अब मैं कह सकता हूँ कि फैक्ट्री में जैसा था उससे भी ये अच्छा हो गया है। और यहाँ पर जो बाकी के सारे केबल है उस पर मैंने ग्रीस लगा दिया है, तो ग्रीस के कारण ये अब लुब्रिकेटेड रहेगा। और इंडिकेटर बजर भी मैंने बांध दिया है ताकि ये गीला ना हो और ख़राब ना हो। तो अभी जब हैंडल बार को दाएं या बाएं मोड़ा जाता है तो कोई भी आवाज़ या फिर कोई भी टाइट फीलिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नीचे की तरफ जो केबल्स है यहाँ पर मैं कोई भी ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तब वो धूल मट्टी सबको खींचेगा और धूल पट्टी चिपक जाएगा और साफ़ करना भी मुश्किल होगा। तो ये देखिए मैंने नीचे वाला जो पैनल है उसे लगा दिया है, दोनों तरफ 3-3-6 स्क्रू। तो जो लॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले दिखाया था जो बॉडी पैनल पर होते हैं, ये जो लॉक्स है दोनों तरफ एक एक, इनके बारे में इसे कैसे खोलना है मैंने नहीं बताया था। तो ये जो लॉक्स है ये ठीक ये इस जगह पर लगता है नीचे वाले पैनल पर, और ये जो कैसे खोलना है ये तो मैंने पहले नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे खोलते हैं। तो ये रहा एक लॉक, वैसे तो दो लॉक होते हैं, मैंने पहले वाला जो लॉक है उसे खोलते समय मैंने तोड़ दिया था, तो दूसरा वाला लॉक मैंने सावधानी से खोला, पहले वाले को अच्छी तरीके से देखने के बाद कैसे काम करते हैं समझने के बाद फिर मैंने दूसरे वाले को खोला। तो ये जो लॉक है बहुत ही सिंपल तरीके से खुलता है, मैं आपको इसे इस चाबी के होल पर इसे लगाकर दिखाऊंगा। तो ये 2-पार्ट लॉक है, 2 हिस्सों में बट जाता है। तो ये पहले वाला जो हिस्सा है ये जो लॉकिंग का होल है वहाँ पर आप सीधा डाल दीजिए, ये आराम से अंदर की तरफ चला जाएगा। और दूसरा वाला जो हिस्सा है इसे आप की भी कह सकते हैं, चाबी भी कह सकते हैं, तो इसे बीच में डालकर जब आप इसे दबाएंगे सीधा तो ये पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। और अब ये पूरा का हिस्सा, ये पूरा जो हिस्सा आप बाहर की तरफ जब खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ नहीं आएगा,
जितना भी ज़ोर से खींचेंगे वो बाहर की तरफ एकदम नहीं आएगा। और इसे खोलने का तरीका भी बहुत सिंपल ही है, जो बीच वाला हिस्सा है इसे आपको प्रेस करना है, दबाना है। तो इसे ज़ोर से दबाते ही ये जो लॉक है वो रिलीज़ हो जाता है, ये देखिए। और रिलीज़ होने के बाद बस आपको खींच कर निकाल लेना है। तो अब आपको पता है कि किस तरीके से ये लॉक खुलता है, तो इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार खोलने के बाद आप दोनों हिस्से को अलग कर लें और फिर लगाते समय पहले वाला हिस्सा पहले डालें, फिर उसके पीछे जो चाबी वाला हिस्सा है उसे डालें और इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। तो यही था तकनीक जिससे आप इस लॉक को खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो यहाँ पर हमने लोअर बॉडी पैनल लगा दिया है और अब उसके ऊपर हमने जो अपर बॉडी पैनल है उसे भी लगा दिया है, जैसे हमने खोला था ठीक वैसे ही। तो जहाँ जहाँ पर स्क्रूज लगते हैं वहाँ वहाँ पर हमने उन स्क्रू को लगा दिया है। एक चीज़ का नोट रखें कि कौन सा वाला स्क्रू कहाँ से खोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी पैनल पर कुछ स्क्रूज छोटे हैं तो कुछ स्क्रूज बड़े हैं, जो एक्सेसरीज लगाने के साथ चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बॉक्स जब लगाया तो उसके साथ थोड़ा लंबा स्क्रू आया था, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। और बॉक्स के अंदर जो स्क्रू है उसका भी ध्यान रखें, मैं पहले भूल गया था फिर बाद में लगाया। तो ये देखिए मैंने पीछे वाला हिस्सा भी कम्प्लीटली जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे लगा दिया है। अब आप कह सकते हैं हमारा काम कंप्लीट हो गया, होने लगा है। तो ये रहा वो चौक का लीवर, अब देखिए कितना स्मूथ है। तो जिस दिन ये अब जाम लगने लगेगा उस दिन मैं इसे खोलकर दोबारा थोड़ा इंजन ऑयल डाल दूँगा, इससे मुझे इसे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो आखिरी काम बच गया है वो मैं करूँगा, मैं इंजन ऑयल को चेंज कर दूँगा। उसके लिए 17 मिलीमीटर यानी 17 नंबर का आपको एक रेंच चाहिए होगा और 1-2 लीटर के बोतल में इस तरीके से कट लगा लीजिए ताकि आप पैल को उस पर ले सके। तो इंजन ऑयल को आप चेंज कर सकते हैं करीब 6 महीने में एक बार चेंज कर लीजिए, या फिर आपका ज़्यादा स्कूटर चलता है तो करीब 1000 या 1500 किलोमीटर पर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना यूज़र मैनुअल पर आपका लिखा हुआ होगा कौन कितने किलोमीटर पर आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर एक्टिव कैस्ट्रॉल एक्टिव जो है वो इंजन ऑयल डालूँगा, और ये 800 ml का आता है लेकिन इसके अंदर सिर्फ 700 ml ही डलता है। तो ये देखिए मैंने नट को दोबारा टाइट कर दिया है और अब मैं इंजन ऑयल को डालूँगा। तो देखिए मैंने इंजन ऑयल को पूरा डाल दिया है। तो आप कैसे समझेंगे कि इंजन ऑयल सफिशिएंट इसके अंदर गया है? तो ये 800 ml जो है उस पर 700 ml आप समझेंगे कैसे कि 700 ml ही मैंने आपने डाला है। तो यहाँ पर जो आप तब तक डालिए जब तक कि ये नेट क्वांटिटी जो लिखा हुआ है यहाँ तक जो लेवल है वो ना आए। तो यहाँ तक जब लेवल पहुँच जाता है तो इसका मतलब है कि 700 ml इंजन के अंदर चला गया है और 100 ml आपके इस डब्बे के अंदर रह गया है। और इसे इस एंगल पर डालें ना कि घुमाकर, इस तरीके से ना डालें, इसे इस एंगल पर पकड़ के डालें। तो इससे होगा ये कि जो इंजन ऑयल है वो आसानी से डल जाएगा और आपको कोई भी जो फनल वगैरह होता है वैसा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं और इससे आपका जो इंजन ऑयल है वो फैलेगा भी नहीं। तो इस काम के लिए हमने क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल किया है? तो पहले तो ये जो स्क्रू ड्राइवर सेट है उसमें से सिर्फ जो स्टार स्क्रू ड्राइवर है वही हमको लगा था सबसे ज़्यादा,
तो स्टार स्क्रू ड्राइवर के बाद छोटा वाला स्टार स्क्रू ड्राइवर, उसके साथ बड़ा वाला स्टार स्क्रू ड्राइवर भी सबसे ज़्यादा लगा था, और माइनस जो स्क्रू ड्राइवर है वो तो लगा ही नहीं। उसके बाद आता है ये टी रेंच, 8 मिलीमीटर का और 10 मिलीमीटर का टी रेंच। ये दो टी रेंच से आप मैक्सिमम सारे काम कर सकते हैं, और प्लायर का ज़रूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है। मेरा तो सिर्फ जो केबल है उसे खींचते वक्त ही लगा था, बाइक के समय नहीं लगा। और हथौड़ा भी लग सकता है अगर सीवीटी का साइड कवर जाम हो तो उसे थोड़ा ठोकने के लिए लग सकता है, और बाकी का जो आप देख रहे हैं वहाँ पर उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। ये स्टार स्क्रू ड्राइवर बहुत ज़रूरी था। और लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस, और आखिरी वाला जो पार्ट्स है वो ये है 17 नंबर का रेंच। तो ये कुछ स्टिल फोटोग्राफ है जो मैंने खींचा था पूरा काम करने के दौरान। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये सीरीज़ यही तक था, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।